नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संभवतः आज हमारा रीति काल का ये अंतिम वीडियो होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, जहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताती चलूँगी। आज हम बात करेंगे कृष्णदास जी की। कृष्णदास ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लहरी नामक एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई थी, जिसमें विविधा छंदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया। कविता इनकी साधारणतः अच्छी है। एक कविता देखिए, कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज अहो, बार बार कहो नर देव कहाँ पाइये। दुर्लभ समाज मिल्यो संकल सकल सिद्धांत जानी, लीला गुण नाम धाम रूप सेवा गाइए। बानी की सयानी सब पानी में बहाए दीजिए, जानी जो नरीति जासो दंपति रिछाइए। जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नैन नहूँ, धान्य धान्य राधा कृष्ण नित्य ही गिनाइए। अब बात करेंगे गणेश। ये नरहरिबंदी जन के वंश में लाल कवि और पौत्र गुलाब कवि के पुत्र थे। संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे थे, वाल्मीकि रामायण, श्लोकार्थ प्रकाश, बाल कांड समग्र और किष्किंधा कांड के 5 अध्याय तक, और प्रद्युम्न विजय नाटक और तीसरा हनुमत 25। प्रद्युम्न विजय नाटक एक समग्र पद्य बंध है और अनेक प्रकार के छंदों में 7 अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के ब्रज नामपुर नामक एक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गंधर्व विवाह होने की कथा है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विस्कंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए हैं, पर इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व नहीं आया है। उदाहरण नीचे दिए गए हैं, ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भय, भेंट परस्पर कान, बैठ सभासद मध्य ते, बोले हरि इंद्र सो बिने न कर चोरी दऊ, आज दिग्विजय हमारे हाथ आयो है। ठीक है, इसी तरह से इसके पद हैं, देख लीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं सम्मन। ये मालावा जिला हरदोई के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलियों के समान गांवों तक में प्रसिद्ध हैं। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दिनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्म स्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुँह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्यभूषण नामक एक रीति ग्रंथ भी बनाया था, पर यह अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनका रचना काल 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। कुछ दोहे देखिए, निकट रहे आदर घटे, दूर ही रहे दुख होए, सम्मन या संसार में प्रीति करो जनिकोए। सम्मन चाहो दुख सुख दे, को तो छाणी ये चार, चोरी चुगली जामिनी और पनाई नार। सम्मन मीठी बात सो होत सबे सुखपूर, जेह नहीं सीखो बोली वो ते सीखो सब दूर। ठाकुर इस नाम के 3 कवि हो गए हैं। इसमें 2 असनी के ब्रह्मभट्ट थे और 1 बुंदेलखंड के कायस्थ। 3 ठाकुर हैं, समझिए, शुक्ल जी कह रहे हैं, जिसमें से 2 तो असनी के ब्रह्मभट्ट हैं और 1 बुंदेलखंड के कायस्थ। तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है, क्योंकि तीनों के नाम ठाकुर ही हैं। हाँ, बुंदेलखंड के ठाकुर की वे कविताएं पहचानी जा सकती हैं जिनमें बुंदेलखंडी कहावतें या मुहावरे आए हैं। पहले बात करते हैं असनी वाले प्राचीन ठाकुर। 2 हैं ना, तो पहले प्राचीन की बात करेंगे। ये रीति काल के आरंभ में संवत 1700 के लगभग हुए थे। इनका कुछ व्रत नहीं मिलता, केवल फुटकर कविताएं इधर उधर पाई जाती हैं। संभव है इन्होंने रीतिबद्ध रचना ना करके अपने मन की उमंग के अनुसार समय समय पर कवित्त समय बनाए हों।
जो चलती और स्वच्छ भाषा में है। इनके दो ये दो सवैये बहुत सुने जाते हैं। देखते हैं कौन से सवैये हैं। सच सूहे दुकूलन बिज्जू छटासी अटान चढ़ी घटा जोवती है सुचती हवे सुने धुनि मोरन की रसमाती संयोग सजोवती है कवि ठाकुर वे प्रिय प्रिय दूर बसे हम आसुन सोतन धोवती है धानी बेधानी पवास की रतियां पति की छतियां लगी सोवती है बौरो रसालन की चढ़ी दारन कूकत क्वेलिया मौन गहे न ठाकुर कुंजन कुंजन गुंजन भौरन भीर चुपै वो चहे न शीतल मंद सुगंधित बीर समीर लगे तन धीन रहे ना व्याकुल कीनो बसंत बनाए के जाए के कंत सो को कहे ना। अब बात करते हैं असनी वाले दूसरे ठाकुर जी की। ये ऋषिनाथ के कवि थे। ऋषिनाथ हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़े थे इनके बारे में। ये ऋषिनाथ के कवि कवि के पुत्र और सेवक कवि के पितामह थे। सेवक कवि के अभी आगे देखेंगे हम लोग। सेवक के भतीजे कृष्ण श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का जो वर्णन किया है उसके अनुसार ऋषिनाथ के पूर्वज देवकी नंदन मिश्र गोरखपुर के रहने जिले के एक कुलीन सरयूपारी ब्राह्मण पयासी के मिश्र थे और अच्छी कविता करते थे। एक बार मंझौली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर पर देवकी नंदन जी ने भाटू की तरह कुछ कविता पढ़े और पुरस्कार लिया। इस पर उनके भाई बंधुओं ने उन्हें जातिच्युत कर दिया और वे असनी के भाट नरहर की कवि की कन्या के साथ अपना विवाह करके असनी में जा रहे और भाट हो गए। भाट थे नहीं ये बाद में भाट हो गए। उन्हीं देवकी नंदन के वंश में ठाकुर के पिता ऋषि नाथ कवि हुए। ठीक है। ठाकुर ने संवत 1861 में सतसई बरनाथ नाम की बिहारी सतसई की एक टीका बनाई। अतः इनका कविता काल संवत 1860 के इधर उधर माना जा सकता है। ये काशी राज के संबंधी काशी नामी रईस जिनकी हवेली अब तक प्रसिद्ध है बाबू देवकी नंदन के आश्रित थे। इनका विशेष वृत्तांत स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने अपने बिहारी बिहार की भूमिका में दिया है। ये ठाकुर भी बड़े सरस कविता करते थे। इनके पद्यों में भाव या दृश्य का निर्वाह अपाध रूप से पाया जाता है। तो उदाहरण नीचे दिए हुए देख लेते हैं। कारे लाज करहे पलासन के पुंज तिन्हे अपने झकोरन झुलावन लगी हैरी ताहे को ससेटी त्रन पत्रन लपेटी धारा धाम ते अकाश दूरी धावन लगी हैरी ठाकुर कहत सुचि सौरभ प्रकाश मो आछी भांति रुचि उपजावन लगी हैरी ताती सीरी बहर बयोग व बा संयोग बारी आवन बसंत की जनावन लगी हैरी प्रात झुमक प्रात झुम झुका मुक्की भेष छपाए के गागर ले घर ते निकरी थी जानी परी ना कितिक अबार है जाए परी जहाँ होरी धरी थी। ठाकुर दौर परे मोहि देख के बागी बचीरी बड़ी सुगरी थी बीर से सौ तो के जो किवार न देहूं तो मैं होरी हारन हाथ परी थी। अब बात करते हैं तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी की। ये बिल्कुल जो पद कभी सुने नहीं होते हैं पहली बार पढ़ने में थोड़ा सा वो हो जाता है। ये जाति के कायस्थ थे और इनका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था। इनके पूर्वज काकोरी जिला लखनऊ के रहने वाले थे और इनके पितामह खड़ग राय जी बड़े भारी मनसबदार थे। इनके पुत्र गुलाब राय का विवाह बड़ी धूमधाम से ओरछे बुंदेलखंड के राव राजा जो महाराज ओरछा के मुहासिब थे की पुत्री के साथ हुआ था। ये ही गुलाब राय ठाकुर कवि के पिता थे। किसी कारण से गुलाब राय अपनी ससुराल ओरछे में ही आ बसे जहाँ संवत 1823 में ठाकुर का जन्म हुआ।
शिक्षा प्राप्त होने पर ठाकुर अच्छे कवि निकले और जैतपुर में सम्मान पाकर रहने लगे। उस समय जैतपुर के राजा केसरी सिंह जी थे। ठाकुर के कुल के कुछ लोग बिजावर में भी जा बसे थे, इससे ये कभी वहाँ भी रहा करते थे। बिजावर के राजा ने एक गांव देकर ठाकुर का सम्मान किया। जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह के उपरांत जब उनके पुत्र राजा परीक्षित गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी सभा के रत्न हुए। ठाकुर की ख्याति उसी समय फैलने लगी और वे बुंदेलखंडी के दूसरे दरबारों में भी आने जाने लगे। बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई के दरबार में कभी कभी पद्माकर जी के साथ ठाकुर की कुछ नोक झोंक की बातें हो जाया करती थी। अब ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक बार पद्माकर जी ने कहा, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पढ़ते हैं। इस पर ठाकुर बोले, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है। इतिहास में प्रसिद्ध है कि हिम्मत बहादुर कभी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का कार्य साधन करते थे और कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में लड़ते। आप समझ रहे हैं, हिम्मत बहादुर क्या करते थे, दो तरफा चलते थे। कभी तो अंग्रेजों का काम साधते थे और कभी लखनऊ के नवाबों के पक्ष में हो जाते थे। एक बार हिम्मत बहादुर ने राजा परीक्षित के साथ कुछ धोखा करने के लिए उन्हें बांदे बुलाया। राजा परीक्षित वहाँ जा रहे थे कि मार्ग में ठाकुर कवि मिले और दो ऐसे संकेत भरे समये पड़े कि राजा परीक्षित लौट गए। उसमें से एक समैया शुक्ल जी ने दिया है, देख लीजिए। कैसे सुचित्त भय निकसो बिहसो बिलसो हरि दे गल बाही। ये छल छित्रन की बत्तियां छलती छिन छिन एक घरी पल माही। ठाकुर वह चुरी एक भय रचिए परपंच कछु ब्रज माही। हाल चवाइन की दो उच्चाल की लाल तुम्हें है देख दिखात कि नाही। कहते हैं कि यह हाल सुनकर हिम्मत बहादुर ने ठाकुर को अपने दरबार बुला भेजा। बुलाने का कारण समझ भी ठाकुर बेधड़क चले गए। जब हिम्मत बहादुर इन पर छल्लाने लगे तब इन्होंने ये कवित्व पढ़ा। वही नर निर्णय नितान में सजाहे जात सुखन आघात प्याला प्रेम को पिए रहे। हरी रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में नेक को तिलक बेंदी जस के दिए रहे। ठाकुर कहत मंजु कंजु के मृदुल मन मोहनी स्वरूप धारे हिम्मत हिये रहे। भेट बय समय असमय अचाहे चाहे और लो निभाए आंखें एक सी किए रहे। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब कुछ और कटु वचन कहा तब सुना जाता है कि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली और बोले, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे की नेक जेना मुकरे। नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को गीय के विशुद्ध हैं सने ही साचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के। चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चातुर चाकर चतुर के। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, याद रखिएगा ठाकुर बुंदेलखंडी की। हिम्मत बहादुर ये सुनते ही चुप हो गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कवि जी बस मैं तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे कवि हैं या पुरखों की हिम्मत भी आप में है। इस पर ठाकुर जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महाराज हिम्मत तो हमारे ऊपर सदा अनूप रूप से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम अनूप गिरी था, हिम्मत बहादुर तो शाही खिताब था। ठाकुर कवि का परलोक वास 1880 के लगभग हुआ, अतः इनका कविता का संबंध 1850 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक अच्छा संग्रह ठाकुर ठसक के नाम से श्रीयुत लाला भगवान दीन जी ने निकाला है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ठाकुर ठसक किसने निकाला है, भगवान दीन ने निकाला है, ठीक है। पर इसमें दूसरे दो ठाकुरों की भी कविताएं मिली हुई हैं। इस संग्रह में विशेषता यह है कि कवि की जीवन वृत्त भी जो कुछ दे दिया गया है। ठाकुर के पुत्र दरिया सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे।
ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, ये लाइन बहुत पूछी जाती है। ठाकुर बुंदेलखंडी के बारे में कही गई है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर है, ना ही कल्पना की झूठी उड़ान, और ना ही और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। लाइनें पूछी जाती हैं, मतलब बिल्कुल जो मन में आता था वो बोल देते थे, कुछ भी कृत्रिम नहीं था। जैसे भाव का जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं, वैसे ही भावों का उसी ढंग से ही अपनी कविता में, अपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देते हैं। बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ब्रजभाषा की श्रृंगारी कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुख की वाणी होती हैं, अतः स्थान स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने किया, उनसे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता आ गई है। यह एक अनुभूत बात है कि स्त्रियां पात बात में कहावतें कहा करती हैं, उनके हृदय में भावों की भरपूर व्यंजना के लिए ये कहावतें मानो एक संचित वांग्मय है। लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वैसा और किसी कवि ने नहीं किया है। तो ये बात भी यहाँ विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है कि ठाकुर कवि ने लोकोक्तियों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। इन कहावतों में कुछ तो सर्वत्र प्रचलित हैं और कुछ खास बुंदेलखंड की हैं। ठाकुर सच्चे उदार भावुक और हृदय के पारखी कवि थे, इसी से इनकी कविताएं विशेषता समय इतने लोकप्रिय हुए। ऐसा स्वच्छंद कवि किसी क्रम के से बद्ध होकर कविता करना भला कहाँ पसंद करता, जब जिस विषय पे जी आया कुछ कहा। ठाकुर प्रधानता प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यापार के अनेकांग दर्शी कवि थे, इसी से प्रेम भाव की अपनी स्वाभाविक तन्मयता के अतिरिक्त कभी तो ये आगती फाग बसंत होली हिंडोरा आदि उत्सवों के उल्लास में मग्न दिखाई पड़ते हैं, कभी लोगों की क्षुद्रता कुटिलता दुखशीलता आदि पर झोंम प्रकट करते पाए जाते हैं, और कभी काल की गति पर खिन्न और उदास देखे जाते हैं। कवि कर्म को ये कठिन समझते थे, रूढ़ के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ लगाने को ये कविता नहीं कहते थे। नमूने के लिए यहाँ पर थोड़े से ही पद्य दिए जाते हैं। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो अस और प्रताप को कहानो है, सीख लीनो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि, सीख लेनो मेरु और कुबेर गिरि आनो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूल कहूँ बांध यत बानो है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ, बहुत प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। दस बार बीस बार बरज दई है जानी, एते पे न माने जते जबरन बरन देव, कैसो कहा कीजे कछु आपने करो ना होए, जाके जैसे दिन ताई तैसे भरन देव, ठाकुर कहत मन आपनो मगन रखो, प्रेम नेह संक रस रंग बिहरन देव। अब आगे बहुत सारी हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी सारे हैं इनके, एक बार पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा थी वो मैं से मैंने बता दी हैं। अब बात करते हैं ललक दास की। ये बेनी कवि के भड़ोबा से ये लखनऊ से कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं, जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 से 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है, मतलब ये उस समय थे। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णात्मक कृत लिखा है, जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार से के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाह उत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का, जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह ने राम स्वयंवर का है, वही इसका भी समझिए, पर इसमें सादगी, और ये केवल दो और चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललित दास जी की भाषा के कवियों के भाव तो इकट्ठा किए ही हैं, संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं।
रचना अच्छी जान पड़ती है। वो चौपाइयाँ देखिए, धारी निज अंग राम को माता दंत कुंद मुक्ता समसो है, इसलिए सधार आधार छवि छाज सुंदर जबुक नापसिका सो है, काम चाप सम रुकुट विराजे ए विद सकल राम के अंगा। अब बात करते कुमान की, ये बंदी जन थे और चरकारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रमशाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए ग्रंथ, इन ग्रंथों का पता चलता है। देखते हैं कौन से ग्रंथ हैं इनके, एक सेकंड ऊपर चले। अमर प्रकाश, अष्टायाम, लक्ष्मण शतक, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समरसार, नरसिंह चरित्र और नरसिंह पचीसी। इनके सन याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्ष्मण शतक में ये लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध का बड़े फड़फड़ाते हुए शब्दों में कहा गया है। खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। हुमान कविता में अपना नाम मान रखते थे, ये ध्यान रखिएगा। नीचे एक कविता दिया है, आयो इंद्रजीत दस कंधा को निबंध बंधा बालियो से राम बंधु सो प्रबंध के रवान को है अंशुमाल को है काल विकराल मेरे समूहे भये न रहे मान महसान को तू तो सुकुमार यार लखन कुमार मेरी मार बेसुमार को सहैया घन श्याम धर्म घमासान को वीर न चितैया रन मंडल चित रितैया काल काहर बितैया जो चितैया माघवान। अब बात करते हैं नवल सिंह कायस्थ की। ये झांसी के रहने वाले और समधर नरेश राजा हिंदू पद के सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की जो भिन्न भिन्न विषयों और भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथों के नाम नीचे दिए, चलिए देखिए। रास पंचाध्यायी, रामचंद्र विलास, शंका मोचन, जौहरीन तरंग, रसिक रंजनी, विज्ञान भास्कर, ब्रज दीपिका, सुख रंभा संवाद, नाम चिंतामणि, मूल भारत, भारत सावित्री, भारत कवितावली, भारत सप्तशती, कवि जीवन, आला रामायण, रुक्मणि मंगल, मूल ढोला, रहस लावनी, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, भारत वार्तिक, रामायण सुमिरनी, पूर्व श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोक संवाद और चंद खंड। उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी हैं, फिर भी इनकी रचना की बहुरूपता का आभास देती है। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। खोजों की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों को देखने पर रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। ब्रज भाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। इसके कुछ पद नीचे दिए गए हैं, अभव अनादि अनंत अपारा, अमर अप्राण अमर अविकारा, अग अनिह आत्म अविनाशी, अगम अनोचर अगोचर अविरल वासी, अकथनीय अद्वैत अरामा, अमल अशेष अकर्म अकामा, सगुण रूप सदा सुषमा, निधान मंजू बुद्धि गुणन अगाधा पनिपति से। देख लीजिएगा, और मैं से वही पढ़ नहीं रही हूँ इनके दोहे। बात करते हैं राम सहाय दास की। ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले और भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई थी, ध्यान रखिएगा। राम सहाय ने राम सतसई बिहारी के अनुकरण पर बनाई थी। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तक में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। मतलब बिहारी के अनुकरण में और जो भी पुस्तकें बनी है उसमें प्रसिद्धि इसी को मिली। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुंचते हैं, पर ये कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना ही नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। मतलब बिहारी कहा जा सकता है लेकिन बिहारी के बराबर पहुँच नहीं पाए। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उनके प्रसंग में दिखाया जा चुका है।
जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाक्य वैदिकता से संबंध है वही अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर हावों का वह सुंदर व्यंजना विधान, चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों का वह सुंदर व्यंजना इस सच्चाई में कहाँ है। नकल ऊपरी बातों में हो सकती है, हृदय की नहीं, पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए, है ना। चेहरे पर की दो आँखों से काम नहीं चलता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने तीन पुस्तकें और लिखी हैं, वाणीभूषण, प्रत्यतरंगणी और ककाहरा। ककाहरा पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। वाणीभूषण अलंकार ग्रंथ है, प्रत्यतरंगणी पिंगल का, ककाहरा झांसी की अखरावट के ढंग की छोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना है, मतलब सबसे पहली, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। सबसे पिछली मतलब सबसे बाद की होगा। राम सहाय का कविता काल 1760 से 1880 तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ दोहे उद्धृत हैं। गड़े नुकेले लाल के नैन रहे दिन रैन, तब नाजुक ठ्योड़ी न क्यों गाड़ रहे मृदु बैन। भटक न छपट चटक के अटक सुनट के संग, लटक पीत पट के निपट हट हट कटक अनंग। लागे नैना नैन में कियो कहा धोमैन, नहीं लागे नैना रहे लागे नैना नैन। और बाकी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं चंद्रशेखर, ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनी राम जी भी अच्छे कवि थे। कुछ दिनों तक ये दरभंगे की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराजा मान सिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्म सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में रहे। इनका देहांत 1932 में हुआ था। ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे, यानी कि मौजूद थे, और उन्हीं के आदेश पर इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हमीर हट बनाया। इसके अतिरिक्त इन्हें इनके रचे ग्रंथों के नाम ये हैं, विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्ति विलास, नक्सिक, वृंदावन शतक, ग्रह पंचाशिका, तज कज्यो, ताजक ज्योतिष, माधवी बसंत, माधावी बसंत। यद्य श्रृंगार की कविता करने पर भी ये करने में भी ये बहुत प्रमीण थे, पर इनकी कीर्ति जो को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हमीर हट ही पर्याप्त है। उत्साह के उमंग की व्यंजना की जैसी चलती स्वाभाविक और जोर भाषा द्वार भाषा इन्होंने की है, उस प्रकार से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए। वीरस के वर्णन में इस कवि ने बहुत सी सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों में की तड़ातड़ और भड़ा भड़ के फेर में ये ना पढ़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने दिया है, जो वीरस की जान पड़ती। दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। सारांश ये है कि वीर रस के वर्णन की ज्येष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। रही प्रसंग विधान की बात, इस कवि में कोई भी इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुकरण किया। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हमीर से वापस मंगाना, हमीर का उसे अपनी शरण में लेने के कारण उपेक्षा पूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जोधराज क्या उसे पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ी के अनुसार की गई थी। गढ़ के घेरे के समय गणपति की निश्चिंतता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपने पद्मावत में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ घेरे जाने पर राजा रतन सेन का गढ़ के भीतर नाच कराना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नृत्यकी का घायल होकर मरना वर्णित किया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन हमीर हट में रखा गया है। ये चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं, एक बंदी हुई परपाटी का अनुकरण है। नर्तकी के माने जाने पर हमीर देव का यह कह उठना, हट कर मंड्यो युद्ध प्रथा ही, केवल उन्हें तत्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र है, उसी करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से प्रकार से करुण प्रलाप
राम जैसे सत्यगंध और वीर प्रति नायकों से भी कराए गए हैं। इनके द्वारा उसके चरित्र में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जाता। एक त्रुटि हमीर हट की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रति नायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उसे भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण जैसा कैसा था, इंद्र मारुति यम सूर्य आदि सब देवताओं की सेवा कर लेने वाला, पर हमीरहट में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछलकर भागता है और पुकार मचाता है। चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी नहीं हुई, सर्वत्र रस में सहायक हुई है। युद्ध मृग्या आदि के वर्णन में संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है ठीक उसी के अनुकूल पद विन्यास है। जहाँ श्रृंगार रस के प्रसंग है वहाँ यही प्रतीति होती है कि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि की रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हमीरहट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बात, वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देता है। आगे की कविता के कुछ नमूने दिए। उदय भानु पश्चिम प्रचस्त दिन चंद प्रकाशे, उलट गंग बरु रहे कामरत प्रीति बिना से, तजय गौरी अर्धांग अचल अरुद आसन चल्ले, अचल पवन बरु होए मेरु मंदर हिरिहल्ले, सुरतर सुखाए लोमस मरे मीर संग सब परिहारो, मुख बचन वीर हमीर को बोल नये सुन, कब हूँ डरो। इसके बाद की पंक्तियां आप देख लीजिएगा। अभी लगता है मुझे कई सारे बाकी हैं तो एक वीडियो इसके लिए और बनाना पड़ेगा। चलिए 43 से आगे की जितने भी कवि हैं उनकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप अपना साथ बनाए रखिएगा। आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।